हेलो एंड वेलकम बैक टू खाटियान फैमिली व्लॉग्स गाइस, कैसे आप सब लोग बताइएगा ज़रूर। और आज भी मैं जो है व्लॉग शाम से शूट कर रही हूँ, तो शाम से इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मम्मी और मैं किसी रिलेटिव के यहाँ पे चले गए थे, तो पूरा दिन वहाँ पे ही लग गया। लगभग 9:45 के करीब हम घर से जा चुके थे और 4:30-5 बजे के करीब आए हम घर पे, तो बस थके हुए हैं। इसलिए फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो तो शूट करनी बनती है, और रास्ते का मैं थोड़ा बहुत शूट करती लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, मेरा मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था फ़ोन को और मैंने वो पहले चेक नहीं किया और फ़ोन की मेमोरी फुल थी बिल्कुल, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी गाइज। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे आज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पीले चावल, और उसके लिए मैंने चावल यहाँ पर भिगो दिए हैं। ये अभी भिगोया, 5 मिनट हुई होगी शायद से। और यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए, आलू ले लिए, और इनसे मिल लीजिए आप। सो मम्मी जो है बैठक में है, दिखाती हूँ आपको। जब कहीं जाते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है बस। और ये देखिए, ये रही मम्मी, कपड़े बदले, वो थक रही है, मैं तो बोल रही हूँ। हाँ मैं तो मजे में ही रहूँ। और हाँ तो हालत बुरी हो गई, लड्डू यहीं पर थे और ये रहे लड्डू, ये देख नहीं कितने तरीके से आओ आप, ये देखिए ये है लड्डू जिनकी आवाज है उत्तर कुमार जैसी। एक बार इसी बात पे बोल के दिखाइए। ऐसे नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं होता। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला आपको, थोड़ी बड़ी बात नहीं है, तो थैंक यू तो कह दो जिन्होंने आपको कहा। थैंक यू गाइस। गाइस नहीं, नीतू देव। या तो आपको लगी उत्तर कुमार जैसी इनकी वॉइस, मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे लिए तो नॉर्मल है, तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। तो इन्होंने बहुत मज़े किए आज हमारे बिना, और ये भी नहीं है कि दोनों अकेली गई हुई है आज, पहली बार गए हैं ना इतनी दूर अकेले, तो मम्मी और मैं अकेले पहली बार गए हैं इतनी दूर। तो आपने कैसे भेज दिया, आपने इतनी गुस्ताखी कैसे कर दी आज, क्या हो गया? नहीं कैसे भेज दिया आपने अपने रहते हुए, जाना आना चाहो क्यों, मतलब पता होना चाहो, मतलब तो कैसा लग रहा है आपको, मैं अपनी जर्नी पूरी करके आ चुकी हूँ, एक मेंढक जैसा नहीं होना चाहिए हमें तो बहुत मजे आए, मैंने और मम्मी ने छोले भटूरे भी खाए वहां पे, जिसका किसी को बहुत दर्द आ रहा है अभी तक, बार बार एक ही बात कह रही है, छोले भटूरे खा के आ गया अकेले अकेले। तो चलिए किचन में चलते हैं, अभी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि चावल भिगेंगे थोड़ी देर, लेकिन उससे पहले इतना है चावल जब तक भिग रहे तैयारी कर लूंगी मैं, तब तक आलू कट कर लेती हूँ, प्याज कट कर लेती हूँ, ट्राइपॉड पे फोन लगा लेती हूँ जल्दी से, जल्दी तो क्या ही है, टाइम मुझे पता नहीं क्या टाइम हो रहा है अभी, टाइम क्या हो रहा, हाँ 7:15 के करीब हो रहे हैं, तो प्याज देखिए क्या फूल खिला है प्याज का। एक्चुअली ना जब लड्डू प्याज लाए थे ना, मैं उन्हें निकालना भूल गई, वो पन्नी में रहेगी, और एक ही रात में उनकी हालत हो गई। आज कोई वैसी वेजिटेबल भी नहीं है जो मैं इनमें डाल पाऊं, नहीं तो सब्जी वगैरह डाल के बनाते हैं ना, खासकर मटर डाल दे तो मजा ही आ जाता है, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, तो सादी बना लेंगे, कोई बात नहीं है, सब चलेगी।
मेरी थकान कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है सच में। अभी तो जिस दिन लड्डू और मैं गए थे वो ही नहीं उतरी थी और आज फिर हो गई। लेकिन खैर हम जो है ना रिलेटिव के यहाँ पे किसी का पता लेने के लिए गए थे, तो पहले तो लड्डू और मम्मी जाने वाले थे लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया और लड्डू ने बोला कि मुझे तो यहाँ पर काम है थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, तो इसलिए फिर हम दोनों चले गए। रफली चॉप कर रही हूँ कुछ शेप वगैरह तो क्या ही देनी है ना। सो गाइज मैंने जो है प्याज कट कर ली, आलू कट कर लिए, आलू भिगो के रख दिया नहीं तो काले पड़ जाएंगे। और अभी मैं करती हूँ चिल क्योंकि क्या बोलना भूल गई क्योंकि चावल जो है वो भीगने में टाइम लेंगे, तब तक मैं बैठ जाती हूँ। सो गाइज खाना वगैरह हमारा हो चुका है और अभी जो है रात के बज रहे हैं 10:15 और आज तो बस सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। अब ये देखिए सोने की तैयारी है, तो क्या आप सोने के लिए तैयार है? हाँ तो सोने के लिए तैयार ही है। क्या कहना आपका, आप सोने के लिए तैयार है? है तो अगर कोई सोने दे है? तो चलिए गाइस आज की वीडियो का एंड यहीं पे कर दे और कल मिलती हूँ आपसे अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना प्यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।